माँ के तलाक के बाद कैसी थी पलक की जिंदगी, किस हादसे का शिकार हुई थी पलक, कैसे सबसे उभरते हुए पलक ने हासिल किया इंडस्ट्री पर अपना अलग मुकाम, जानिए पलक के अनसुने और चटपटे किस्से। मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी का जन्म 8 अक्टूबर 2000 मुंबई महाराष्ट्र में एक हिंदू परिवार में हुआ। पलक बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग के प्रति बहुत आकर्षक थी और वह अपनी माँ के रास्ते पर चलकर खुद को एक कामयाब अभिनेत्री बनाना चाहती हैं। पलक तिवारी बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज हैं। उन्होंने सिंगापुर नेशनल स्कूल से अपनी शिक्षा की शुरुआत की और 10th क्लास में उन्होंने 83% रैंक प्राप्त की थी। पलक तिवारी या पलक चौधरी के पिता का नाम राजा चौधरी है, जो एक टीवी के एक मशहूर कलाकार थे। उनकी माता का नाम श्वेता तिवारी है, जो खुद में एक मजी हुई कलाकार है। 2007 में पलक तिवारी की माँ श्वेता तिवारी और उनके पिता राजा चौधरी के बीच तलाक हो गया, क्योंकि श्वेता तिवारी का आरोप था कि राजा चौधरी उनके साथ मारपीट करते हैं। अभिनव कोहली पलक तिवारी के सौतेले पिता हैं। 2013 में अभिनव कोहली और पलक तिवारी की माँ श्वेता तिवारी ने शादी कर ली थी, लेकिन 2019 में इनका भी तलाक हो गया। पलक तिवारी के एक सौतेला भाई भी है, जिसका नाम रियांश है, और वह अपने भाई से बहुत ही प्यार करती हैं। कुछ महीने पहले पलक एक्टर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ घूमती नजर आई थी, जिसके बाद दोनों के अफेयर के लेकर अटकलें लगने लगी। हालांकि बाद में पलक ने अफवाहों की पुष्टि करते हुए सिर्फ अच्छे दोस्त होने की ही बात कही थी। अब ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसके अनुसार पलक का अफेयर फिल्म द आर्चीज के एक्टर वेदांग रैना के साथ चल रहा है। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार दोनों एक दूसरे को 2 साल से डेट कर रहे हैं। अभिनेत्री पलक तिवारी की कमाई का मुख्य जरिया मॉडलिंग, एक्टिंग के साथ साथ ब्रांड डील भी है। वहीं अगर उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति करीब 70 से 80 लाख रुपए बताई गई है। पलक ने हाडी संधू के वीडियो गीत बिजली बिजली में भी काम किया था। इस गाने को लगभग 330 मिलियन व्यूज मिले और इससे पलक की लोकप्रियता काफी हद तक बढ़ गई। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही चर्चा में आ चुकी हैं। पलक 2 म्यूज वीडियो में नजर आ चुकी हैं और वह अक्सर शूटिंग पर या दोस्तों के साथ लंच डिनर या आउटिंग पर स्पॉट की जाती हैं। पेपराजी उन्हें अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेकरार रहते हैं और पलक की सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक फोटो और वीडियोस पोस्ट करती रहती हैं। हालांकि इन पर पलक को नेगेटिव कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। कभी उन्हें उनके दुबलेपन को लेकर ट्रोल किया जाता है तो कभी उन्हें सर्जरी की सलाह दी जाती है। इस बारे में पलक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बात की है। उन्होंने कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया है कि ये लोग कभी खुश नहीं होंगे। ऐसे ही मज़ेदार किस्से और चटपटी खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।